Cord by different. एक लीगल मेट्रोलॉजी विंग है जो असेंशियल कमोडिटीज को डील करता है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वायोलेशंस जो होती हैं और जो प्राइसेस के लेके है मार्केट में जो है कंट्रोल प्राइसेस करना और वेट्स एंड मेजर्स की एक्यूरेसी करना, तो उसके बारे में हमने ये पूरे जम्मू प्रोविंस की जो है वो मीटिंग बुलाई है। हमने टारगेट्स फिक्स किए थे कि आपको कितना फाइन करना है, कितना आपका कंपोजिशन करना है और कितना रेवेन्यू रियलाइजेशन होना चाहिए। आई एम रियली हाईली कन्विंस्ड बाय द फिगर्स गिवन बाय द डिपार्टमेंट दैट दे हैव अचीव्ड द टारगेट्स गिवन टू देम, जितने भी उनको टारगेट्स दिए गए थे। और पिछले एक साल से अगर हम इनका जैसे हमने रिव्यू लिया है, एक साल से जो वायलेशंस थी, वायलेशन जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट की वायलेशन हो या पैकेजेस कमोडिटी रूल्स की वायलेशन हो, हमने उसमें ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। और जितना क्राइम पीछे होते थे, इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी जो है चलान जो हैं वो कम हुए हैं, वायलेशंस कम हुई हैं। तो हमारा यही अपील भी है बिजनेस कम्युनिटी से कि वो भी हमें इस पर सपोर्ट करे और जितना भी जहाँ भी वायलेशंस हैं वायलेशंस को कम से कम हो, क्योंकि एवरी आफ्टर ऑल वी आर आर द कंज्यूमर्स एंड इन दिस सिनेरियो द कंज्यूमर इज ए किंग इन एनी इकोनॉमी आर एनी बिजनेस एंड ऑल द इकोनॉमी रिवॉल्व्स अराउंड द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर नहीं है तो कोई प्रोडक्ट्स की वैल्यू नहीं है। तो हमारा यही कहना है, हमारी यही गुजारिश है बिजनेस कम्युनिटी से कि वो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर सेलर्स एक कम्युनिटी के हैं, लेकिन दे आर कंज्यूमर ऑफ 100 कम्युनिटी एल्स, वो भी उनको मार्केट से परचेज करनी होती है। तो लेट अस एस्टैब्लिश ए फेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन द बिजनेस। सर एक सवाल थोड़ा हटके है।